ओके, अगला टॉपिक है हमारे पास स्ट्रोक फंक्शन। स्ट्रोक फंक्शन बनाने के लिए इसमें चार रूल्स होते हैं, सबसे सिंपल चार रूल्स होते हैं बस, और वो चार रूल्स ये हैं। ओके, स्ट्रोक फंक्शन तो इसमें हम लोग सबसे पहला टर्म लेते हैं निगेशन पी। ये चार फार्मूलाज हैं, चारों फार्मूला को हम प्रूफ करके एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। तो निगेशन पी अगर हो तो इसे हम लोग लिखते हैं बाय डेफिनेशन पी स्ट्रोक बार पी। ओके, अब ये कैसे हुआ, निगेशन पी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये 19 रूल्स पर बेस्ड है, ठीक है। तो 19 रूल्स का याद होना बहुत ज़रूरी है। निगेशन पी क्या होता है, निगेशन पी वेज निगेशन पी, कैसे, टॉटोलॉजी से हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। और इसे हम लोग इस तरह लिखेंगे, अगर ऐसा कंडीशन हो निगेशन पी वेज निगेशन पी, तो इसे हम लोग लिखते हैं पी स्ट्रोक बार पी। तो निगेशन पी का फॉर्मूला हो गया बाय डेफिनेशन पी स्ट्रोक बार पी। तो पहला फार्मूला ये है, अब इसी पर बेस्ड सारे फार्मूले बन जाएंगे। पी डॉट क्यू ये होता है बाय डेफिनेशन पी स्ट्रोक बार क्यू बिगर स्ट्रोक बार पी स्ट्रोक बार क्यू। ओके, अब ये बिगर क्यों है, ये बड़ा क्यों दिया है यहाँ पर, ये बड़ा देने का रीज़न ये है क्योंकि ये दो स्ट्रोक बार को सेपरेट कर रहा है, ठीक है। इसे इस तरह से नहीं देना है, सिंपली पुट अ बिगर स्ट्रोक बार देन इनर वन, ठीक है, इससे बड़ा देना है। और इन दोनों के साइज में हमेशा ध्यान रखना है क्योंकि ये दोनों टर्म को अलग कर रहा है। ओके, इसे हम लोग प्रूफ करते हैं। पी डॉट क्यू को हम क्या लिखते हैं, इसमें हम लोग डबल निगेशन डाल सकते हैं डबल निगेशन रूल से, राइट। अब हमारे पास यहाँ पर क्या है, एक निगेशन है, उसके अलावा क्या है, निगेशन पी डॉट क्यू। अगर इसे हम लोग कोई एक टर्म मान ले पी, तो हमारे पास क्या है, निगेशन पी, और निगेशन पी को हम लोग क्या लिखते हैं, पी स्ट्रोक बार पी, राइट। तो इसे हम लोग लिखेंगे निगेशन पी डॉट क्यू, ये पूरा एक है, पी डॉट क्यू स्ट्रोक बार पी डॉट क्यू, राइट। इसे और सिंपलर वे में किया जा सकता है, हमारे पास है निगेशन पी डॉट क्यू, ठीक है। और निगेशन पी को हमने क्या लिखा था, निगेशन पी वेज निगेशन पी, किससे, टॉटोलॉजी से। तो यहाँ पर हमारे पास है निगेशन पी डॉट क्यू, इसे हम लोग अगर पी मान ले, यानी निगेशन पी है हमारे पास, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं निगेशन पी वेज निगेशन पी, यानी निगेशन पी वेज निगेशन क्यू। ये कैसे हुआ, टॉटोलॉजी, ओके, टॉटोलॉजी से हमने इसे ये लिख दिया, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, निगेशन पी वेज निगेशन क्यू, जब हमारे पास निगेशन पी वेज निगेशन पी था दोनों सेम, तो हमने इसे पी स्ट्रोक बार पी लिख दिया था। हमारे पास है यहाँ पर निगेशन पी वेज निगेशन क्यू, तो इसे क्या लिखेंगे, पी स्ट्रोक बार क्यू, बस वही चीज़ यहाँ अप्लाई करना है। ओके, क्या लिख देंगे, निगेशन पी स्ट्रोक बार क्यू, राइट। अब देखिए, जब निगेशन है आगे में, ये स्ट्रोक फंक्शन नहीं हुआ, निगेशन के साथ जो टर्म है इसे मिला करके पूरे को लिखना पड़ेगा, तभी वो एक स्ट्रोक फंक्शन कहलाएगा। निगेशन पी स्ट्रोक बार क्यू, इस पूरे को हम पी मान सकते हैं, निगेशन पी रह गया, निगेशन पी को हम लोग क्या लिखते हैं, पी स्ट्रोक बार पी, तो इसे लिख देंगे पी स्ट्रोक बार क्यू एंड बिगर स्ट्रोक बार देन पी स्ट्रोक बार क्यू। देखिए ये प्रूफ हो गया, ये हो गया दूसरा फॉर्मूला। ओके, बहुत सिंपल है, बस बनाने की देरी है। अब तीसरा लेते हैं पी वेज क्यू, इसे लिखते हैं हम लोग बाय डेफिनेशन पी स्ट्रोक बार पी एंड बिगर स्ट्रोक बार क्यू स्ट्रोक बार क्यू, ठीक है। तो अब इसे प्रूफ करते हैं, पी वेज क्यू को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसमें हम लोग पहले क्या करते हैं, दोनों साइड डबल निगेशन डालते हैं, डबल निगेशन पी वेज डबल निगेशन क्यू, ये डबल निगेशन से लिख सकते हैं ऐसा, क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। हाँ, अब यहाँ पर है निगेशन पी एंड निगेशन क्यू, निगेशन पी को हम लोग क्या लिखते थे, पी स्ट्रोक बार पी, राइट। तो इसे लिखेंगे हम लोग
नो नो वेट वेट वेट, डबल निगेशन लगा लिया सबसे पहला, इसके बाद देखो यहाँ पर निगेशन पी वेज निगेशन पी, अगर ये निगेशन पी वेज निगेशन क्यू, सॉरी वेट 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 वेट, हाँ यहाँ देखो निगेशन पी, निगेशन पी वेज निगेशन क्यू, इसे हमने पी स्ट्रोक बार क्यू लिखा था, निगेशन पी वेज निगेशन क्यू, इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, निगेशन और इस पूरे को आप पी मान लो, ये है निगेशन, फिर इसे पूरे को आप क्यू मान लो, तो हमारे पास है निगेशन पी वेज निगेशन क्यू, इसे क्या लिख सकते हैं, पी स्ट्रोक बार क्यू, राइट, अब दोनों के साइड क्या है, निगेशन है, ठीक है, तो सिंपल वे इसे हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, निगेशन पी स्ट्रोक बार निगेशन क्यू, राइट। अब फर्स्ट रूल जो था कि निगेशन पी को हम क्या लिखते हैं, पी स्ट्रोक बार पी, ठीक है, निगेशन पी को हम लोग लिख देंगे पी स्ट्रोक बार पी एंड बिगर स्ट्रोक बार एंड क्यू स्ट्रोक बार क्यू, तो ये डेफिनेशन ये, ओके। फोर्थ आता है मेरे पास पी हॉर्सशू क्यू, इसे हम लोग लिखते हैं बाय डेफिनेशन पी बिगर स्ट्रोक बार एंड क्यू स्ट्रोक बार क्यू, ठीक है, इसका फॉर्मूला ये होता है पी हॉर्सशू क्यू, इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, निगेशन पी वेज क्यू, ये किससे लिखा, मॉडस पोनेंस से, ठीक है, 19 रूल्स में आता है तो उससे ही हो जाएगा। अब निगेशन पी को हम लोग निगेशन पी रहने देते हैं, वेज को वेज रहने देते हैं, क्यू पर हम लोग डबल निगेशन डाल देते हैं, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर है डबल निगेशन एंड देन क्यू, निगेशन क्यू को हम लोग क्यू मान लें, अब हमारे पास क्या है निगेशन क्यू, निगेशन क्यू को हम लोग क्या क्या लिखेंगे, अब हमारे पास देखो यहाँ पर निगेशन पी है ही और इसे हमने निगेशन क्यू बना लिया, है ना, तो निगेशन पी वेज निगेशन क्यू, सेम कंडीशन है, क्या लिखा था इसे, निगेशन पी स्ट्रोक बार निगेशन क्यू, बस एक स्ट्रोक बार दे सकते हैं, तो निगेशन पी स्ट्रोक बार एंड निगेशन क्यू लिख सकते हैं, ये तो हट जाएगा ना, यहाँ डबल था तब एक रह गया था, अब यहाँ एक है तो ये सारा हट ही जाएगा ना, तो पी स्ट्रोक बार निगेशन क्यू, पी स्ट्रोक बार एंड ये निगेशन क्यू को अब क्या लिख सकते हैं, निगेशन क्यू को क्या लिखा था, क्यू स्ट्रोक बार क्यू, बस हो गया प्रूफ। तो ये चार फॉर्मूले हैं, इसी पर सारा स्ट्रोक फंक्शन बनता है, ठीक है, ये चार फॉर्मूला पर ये सारा सवाल बन जाएगा इसका, और इसका जितना भी सवाल है बहुत ही इजी वे में आता है, मतलब सबसे सिंपल एक ऐसे क्वेश्चन है, वेट, सबसे सिंपल एक क्वेश्चन जो सर दिए थे, हाँ वो क्वेश्चन ये रहा, निगेशन पी डॉट क्यू परस्यू आर वेज एस, इसे स्ट्रोक फंक्शन में लिखना है, सिंपल है, क्या करेंगे, सबसे पहले तो निगेशन देखेंगे, निगेशन क्या करता है, दो भाग में बांट देता है, निगेशन पी था तो इसे क्या लिख दिया, पी स्ट्रोक बार पी, इस पूरे को पी मान लो, निगेशन पी क्या आ जाएगा, पी स्ट्रोक बार पी, है ना, हॉर्सशू को हॉर्सशू रहने देते हैं, आर वेज एस, वेज का हम लोग क्या लिखते हैं, आर वेज एस, पी बाय पी, सॉरी पी स्ट्रोक बार पी एंड बिगर स्ट्रोक बार देन क्यू स्ट्रोक बार क्यू, राइट, तो बस इसी तरीके से इसे लिख दो, आर स्ट्रोक बार आर बिगर स्ट्रोक बार एस स्ट्रोक बार एस, बस अब यहाँ पर ब्रैकेट देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, दो अब आपस में डिवाइड हो गए, अब देखो हमारे पास यहाँ पर पी डॉट क्यू है और डॉट का हम लोग क्या लिखते हैं, पी स्ट्रोक बार क्यू, पी स्ट्रोक बार क्यू, बीच में एक बड़ा स्ट्रोक बार, ठीक है, तो इसे भी तोड़ के लिख देते हैं, पी स्ट्रोक बार क्यू बिगर स्ट्रोक बार पी स्ट्रोक बार क्यू, तो ये इतना सा का हो गया, ठीक है, अब एक बड़ा स्ट्रोक बार देंगे, फिर इसे भी हम लोग इसी फॉर्म में लिखेंगे, पी स्ट्रोक बार क्यू एंड बिगर स्ट्रोक बार पी स्ट्रोक बार क्यू, यहाँ पर देखो एक सबसे स्मॉल ये है, उससे बड़ा ये है और उससे भी बड़ा ये है, ठीक है, अब है हॉर्सशू, ये तो ऑलरेडी स्ट्रोक फंक्शन के रूप में है, ठीक है, अब लास्ट स्टेप हॉर्सशू, हॉर्सशू का क्या करते हैं, हॉर्सशू का रूल क्या किया था, पी बिगर स्ट्रोक बार क्यू स्ट्रोक बार क्यू, ठीक है, तो पी को हम लोग पी रहने देते हैं, ये पूरा पी है ये क्यू है, ठीक है,
तो पी को पी रहने देंगे, क्यू को दो बार लिखना है बस। सो इसे रखेंगे पी स्ट्रोक बार क्यू, जैसा था बिल्कुल वैसा ही लिख दो, बड़ा स्ट्रोक बार पी स्ट्रोक बार क्यू, थोड़ा सा बड़ा स्ट्रोक बार, फिर पी स्ट्रोक बार क्यू। ठीक है, अब हॉर्सशू के लिए, अब क्योंकि यहाँ पर देखो सबसे छोटा ये है, उसके बड़ा ये है, उससे बड़ा भी ये है, तो यहाँ पर हम उससे भी बड़ा देंगे। ठीक है, क्योंकि ये इसे भी डिवाइड कर रहा है, फिर इसे दो बार लिख देंगे बस, और क्या। अब यहाँ पर देखना है, ये थर्ड स्टेप वाला देना है, तो इसमें साइज का हमेशा ध्यान रखना है, छोटा बड़ा साइज हो गया तो ये सवाल को गड़बड़ कर देगा। ठीक है, तो ये बन गया स्ट्रोक फंक्शन। ठीक है, तो इसमें जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो सिंपली दो या तीन स्टेप में बन जाएंगे, इससे बड़ा स्टेप नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्ट्रोक बार। बस ये लकीरों के साइज का ध्यान रखना है, स्ट्रोक बार के साइन का साइज का ध्यान रखना है, बाकी क्वेश्चन यू बन जाएगा बस, और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। कोई और क्वेश्चन ट्राई करना चाहो तो कर सकते हैं, जैसे या लेट्स टेक दिस क्वेश्चन, निगेशन, वेट, निगेशन पी हॉर्सशू क्यू डॉट आर। तो इसका फॉर्मूला याद होना जरूरी है, निगेशन पी को क्या लिखते हैं, पी स्ट्रोक बार पी, ये हॉर्सशू को हॉर्सशू रहने देते हैं, क्यू डॉट आर को क्या लिखते हैं, क्यू स्ट्रोक बार आर, बिगर स्ट्रोक बार क्यू स्ट्रोक बार आर, राइट, ऐसे ही लिखते हैं ना। अब ये क्या करेगा, पी को पी रहने देगा, क्यू को दो डिवाइड दो बार में बांट देगा, है ना। तो इसे हम लोग बिल्कुल इसी तरह लिख देंगे, पी स्ट्रोक बार पी एंड बिगर स्ट्रोक बार, देन क्यू स्ट्रोक बार आर, बिगर स्ट्रोक बार क्यू स्ट्रोक बार आर, फिर इससे बड़ा क्यू स्ट्रोक बार आर, क्यू स्ट्रोक बार आर, ये यहाँ पर डिवाइड कर रहा है इसलिए ये बड़ा जाएगा बस। स्मॉल, मीडियम, लार्ज, स्मॉल, मीडियम, स्मॉल, और ये हो जाएगा एक्स्ट्रा लार्ज, ये स्मॉल, बस ये बन गया स्ट्रोक फंक्शन। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं चलो, क्योंकि ये थोड़ा समझने में टफ होता है, मुझे समझने में तीन बार मुझे सर से पूछना पड़ा था। निगेशन पी और शू क्यू वेज निगेशन आर। सबसे पहले तो निगेशन को देख लो, या पहले चलो हॉर्सशू को देख लेते हैं। हॉर्सशू क्या करता है, हॉर्सशू भी नहीं, सबसे पहले हम लोग इसके अंदर का ये देखेंगे, निगेशन हटाएंगे। निगेशन के लिए क्या करते हैं, दो बार लिख दो बस, वेज इसे भी तोड़ देते हैं, राइट, टूट गया। अब हॉर्सशू को तोड़ते हैं, हॉर्सशू क्या करेगा, पी और क्यू, पी रहने देगा, क्यू को दो डिवाइड दो बार में डिवाइड कर देगा, तो ये वही रह जाएगा, बिगर स्ट्रोक बार और क्यू स्ट्रोक बार क्यू। ठीक है, अब यहाँ पर वेज आर स्ट्रोक बार आर, वेज क्या करता है, दोनों को एक एक बार लिख देना है। ठीक है, तो पी स्ट्रोक बार पी, क्यू स्ट्रोक बार क्यू एंड बिगर स्ट्रोक बार एंड पी स्ट्रोक बार क्यू, उससे बड़ा फिर क्यू स्ट्रोक बार क्यू, और फिर सबसे बड़ा फिर आर, बिगर स्ट्रोक बार आर आर। ठीक है, ये हो गया स्ट्रोक फंक्शन, यही है स्ट्रोक फंक्शन, ओवरऑल टॉपिक यही है इसका। बस ये चार फार्मूले याद रखने हैं, इससे एक क्वेश्चन तो आएगा ही बस।